ऋषि जाएगा जेल और ऋषि को फंसाने के लिए मलिष्का ने चली एक बड़ी चाल और फंसा दिया ऋषि को और ऋषि पर लगेंगे मॉलेस करने के झूठे इल्जाम। लेकिन लक्ष्मी बचाएगी ऋषि को और हो जाएगा ऋषि को लक्ष्मी से सच्चा वाला प्यार। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में कैंडल लाइट डिनर के बाद जब लक्ष्मी ऋषि मलिष्का को दोनों को एक साथ देख लेगी तब लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन जब ऋषि की नजर जब लक्ष्मी पर पड़ेगी तब ऋषि अचानक से मलिष्का को जोर से धक्का मार देगा और मलिष्का को कहेगा कि ये तुम क्या करी हो। ये अचानक से ऋषि के मुंह से सुनकर मलिष्का को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी मलिष्का की नजर लक्ष्मी पर पड़ेगी और मलिष्का को ऋषि पर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि पहली बार लक्ष्मी की वजह से ऋषि मलिष्का के खिलाफ होगा, जिस वजह से मलिष्का ऋषि से बदला लेने के लिए अपने पैसों के बलबूते पर एक लड़की को हायर करेगी और साथ ही एक न्यूज रिपोर्टर को हायर करेगी जहाँ पर किसी को पता ना चले। ऐसे मलिष्का लड़की को पैसे खिलाकर कहेगी कि तुम्हें ऋषि पर मॉलेस का यानी कि छेड़छाड़ का इल्जाम लगाना है, वो भी इंटरव्यू के बहाने उसके केबिन में जाकर। और इसी वजह से मलिष्का ऋषि से अपना बदला लेने के लिए आने वाले एपिसोड में एक लड़की को इंटरव्यू के बहाने ऋषि के ऑफिस में भेजेगी जहाँ पर जब ऋषि उस लड़की की फाइल देखकर जब उस लड़की को रिजेक्ट कर देगा तब वो लड़की ऋषि को कहेगी कि एक काम का मौका तो दीजिए सर, जिसके बाद तभी वो लड़की जानबूझकर ऋषि के नजदीक आएगी। लेकिन ऋषि गुस्से से उस लड़की का हाथ पकड़ के अपनी ऑफिस के केबिन से बाहर निकाल देगा और अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उसे अपने ऑफिस से भगा देगा जहाँ पर ऋषि का फायदा उठाकर वो लड़की ऋषि पर पुलिस केस कर देगी। और मलिष्का ने उस इंटरव्यू वाली लड़की को पैसे खिलाने की वजह से और साथ ही साथ न्यूज रिपोर्टर को पैसे खिलाने की वजह से जब पुलिस ऋषि को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करने के लिए ऋषि के ऑफिस में आएगी तब आयुष पुलिस को समझाने की कोशिश करेगा कि वो लड़की ऋषि पर झूठे इल्जाम लगा रही है, ऋषि ऐसा है ही नहीं। तब पुलिस वाले कहेंगे कि वो सब हम पुलिस स्टेशन में देखेंगे, लेकिन अभी तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। और इसी का फायदा उठाकर तभी वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर आ जाएगी और न्यूज रिपोर्टर ऋषि के बारे में बड़ा चढ़ाकर कहेगी कि ओबेरॉय कंपनी का मालिक ऋषि ओबेरॉय की शादी की बात अभी तक ठंडी नहीं पड़ी कि इन्होंने एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर दी। और यही न्यूज रिपोर्टर की न्यूज घर पर और कोई नहीं बल्कि ऋषि की माँ लक्ष्मी और ऋषि के पापा सुन लेंगे, जिसे सुनकर पूरे फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पुलिस आयुष और ऋषि को दोनों को मॉलेस के इल्जाम में पुलिस स्टेशन ले जाएगी और पुलिस दोनों को जेल में बंद कर देगी। और इसी वजह से यह न्यूज सुनकर सबसे पहले और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाएगी जहाँ पर लक्ष्मी के पीछे पीछे ऋषि की माँ और ऋषि के पापा आएंगे। और इसी वजह से बड़े राज का खुलासा होगा कि ऋषि को लक्ष्मी से प्यार तब होगा जब पुलिस स्टेशन में लक्ष्मी ऋषि के लिए जब पुलिस से लड़ेगी और पुलिस पर गुस्सा होगी और कहेगी कि आप ऐसा इल्जाम इन पर कैसे लगा सकते हो, तब ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा। और लक्ष्मी पुलिस पर गुस्सा होती हुई कहेगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर जो भगवान के समान है उन पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने की, और साथ ही कोई भी सबूत के बिना आपने उनको जेल में क्यों डाल दिया। तब पुलिस लक्ष्मी के सवाल सुनकर पूरी तरह से हिल जाएगी और लक्ष्मी की वजह से पुलिस ऋषि और आयुष को जेल से बाहर निकालेगी। और लक्ष्मी उस लड़की को बुलाने के लिए कहेगी जिस लड़की ने ऋषि पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, लेकिन वो लड़की नहीं आएगी। और सारा मामला खत्म हो जाने के बाद मलिष्का पुलिस स्टेशन पहुंचेगी और इसी वजह से मुसीबत के समय में लक्ष्मी ऋषि के काम आने की वजह से ऋषि को हो जाएगा लक्ष्मी से प्यार।